जब भी कोई आदमी इलेक्शन लड़ता है और वह आदमी पहले से सरकारी नौकरी में है तो नौकरी से रिजाइन देना पड़ता है। नौकरी से रिजाइन देने के बाद ही इलेक्शन लड़ सकता है। तो क्या इलेक्शन जीत जाने के बाद नौकरी कर सकता है? ऐसा कोई संविधान में है कि इलेक्शन लड़ने के लिए नौकरी से रिजाइन देना पड़े और इलेक्शन जीत जाने के बाद नौकरी करे? इलेक्शन जब भी कोई आदमी जीतता है तो समाज सेवा के लिए जीतता है, सरकार उससे नौकरी नहीं करवा सकता। नल जल में जो भी नए वार्ड सदस्य जीत कर आए हैं वह समाज सेवा के लिए जीत करके आए हैं, नौकरी करने के लिए सरकार ने कोई लेटर नहीं निकाला है कि नए वार्ड सदस्य नौकरी करेंगे। इलेक्शन जीतता है समाज सेवा के लिए। वार्ड सदस्य का कर्तव्य है समाज सेवा करना, कार्य योजना लिखना, लोगों को गली नली, सुखता, वृद्धा पेंशन इत्यादि काम को देखना और करवाना। नौकरी करना ऐसा कहीं से कोई संविधान नहीं है, ना ही कहीं से कोई लेटर है। नल जल चलाने के लिए सरकार ने संविधान से पारित कर चुका हुआ है कि प्रत्येक वार्ड में अनुरक्षक की बहाल होगी और प्रत्येक वार्ड में अनुरक्षक की बहाल कर दिया गया है, अनुरक्षक ही नल जल को चलाएंगे। अगर नए वार्ड सदस्य जो जीत करके आए हैं नल जल पर कब्जा कर रहे हैं, यह कब्जा जो है धांधली है, बिना लेटर का बिना चिट्ठी का अगर नए वार्ड सदस्य पानी चलाते हैं तो सरकार उनको क्या देगी? ज़बरदस्ती पानी चलाने से सरकार कुछ दे देगी क्या? अगर पानी चलाना है नए वार्ड सदस्य को तो नए वार्ड सदस्य का कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है कि नए वार्ड सदस्य लेटर की मांग करे कि अगर हमें पानी चलाना है तो हमें एक लेटर दीजिए। BDO साहब या मुखिया जी मौखिक कह देते हैं कि नए वार्ड सदस्य पानी चलाएंगे, तो वैसे नए वार्ड सदस्य को लेटर मांगना चाहिए कि हमें अगर पानी चलाना है तो एक लेटर निर्गत कीजिए, बिना लेटर के हम मौखिक पानी चलाएंगे, मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे और सरकार हमको पैसा नहीं देगी तो हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे? तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि इलेक्शन जीत जाने के बाद सरकार ऐसे व्यक्ति से नौकरी करवावे। जो भी लोग इलेक्शन जीतते हैं वह समाज सेवा के लिए जीतते हैं, नौकरी करने के लिए नहीं। तो धन्यवाद, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि सभी वार्ड के पास, सभी अनुरक्षक के पास यह वीडियो पहुँचे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।